दिल्ली में जिनको घर चाहिए वो बेचारा गाजियाबाद नोएडा की तरफ आता है, और बिल्डरों ने क्या करके रखा है, पैसा ले लो, 2 साल 4 साल मकान बन रहा है बन रहा है बन रहा है, मकान मिल ही नहीं रहा है, और बन गया तो किसी और को बेच दिया, ज्यादा पैसा मिल गया। सामान्य मानवी जिंदगी भर की कमाई बचा करके एक छोटा सा फ्लैट खरीदना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन ये लॉबी जिनको राज्यों के ऐसे अथंग राज नेताओं की मदद मिलती है, तो ये बिल्डर मध्यम वर्गीय लोग जो पेट काट करके मकान बनाना चाहते हैं उनको लूट लेते हैं, उनके हक के पैसे नहीं देते हैं, मकान नहीं देते हैं। जिस प्रकार का नक्शे कागज पे दिखाया है वैसा मकान बनाते नहीं है, उससे भी छोटा बना करके दे देते हैं, हर प्रकार से बेईमानी। भाइयों बहनों, ये पीड़ा कोई आज की नहीं है, 3-4 दशक से समस्या है। ये दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो कानून बनाए, कानून बना करके मध्यम वर्गीय लोग जो मकान बनाना चाहते हैं ये बिल्डर लोग उसको लूटते हैं, उनको रक्षा दी जाए। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को अपना हिसाब दे रहा हूं, हमने वो कानून बना दिया, रियल एस्टेट का कानून बना दिया, और आज किसी भी सामान्य नागरिक को इस प्रकार की जो धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर है मकान के नाम पर लूट नहीं सकते, जो बात करार की गई है वैसा मकान देना पड़ेगा, और नहीं देगा, अगर शिकायत करेगा तो उसकी जिंदगी जेल में जाएगी। भाइयों,